नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पीनट बटर बार सिखाने वाली हूँ। चॉकलेट, पीनट बटर और बिस्किट, इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है, तो चलिए पीनट बटर बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कप बिस्किट का चूरा लिया है। मैंने यहाँ पे जो डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं उसको मैंने मिक्सी में क्रश करके लिया है। आप इसमें जो भी आपको बिस्किट पसंद है वो बिस्किट का चूरा ले सकते हैं। उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून पीनट बटर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो क्रंची वाला पीनट बटर है वो लिया है। उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें सारी सामग्री को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे जो क्रंची वाला पीनट बटर लिया है, आप उसकी जगह पे जो सादा पीनट बटर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपने इसमें क्रंची यूज़ किया तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम डेजर्ट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर मोल्ड लिए हैं। आपके पास जो भी मोल्ड है आप उसमें इसको सेट कर सकते हैं। हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने मोल्ड के अंदर करीबन 1 टेबलस्पून जितना मिश्रण लिया है और इसे हम हल्के हाथों से दबा देंगे। हमें मिश्रण को मोल्ड में अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, जिससे हम जब भी मोल्ड को अनमोल्ड करेंगे तभी ये मिश्रण बिखरेगा नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैंने सारे मोल्ड तैयार कर लिए हैं। अब हम जो डेजर्ट है उसके टॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 कप डार्क चॉकलेट ले रही हूँ, जिसको मैंने इसे टुकड़ों में काट लिया है। ये 120 ग्राम डार्क चॉकलेट है। उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ और उसमें मैं 2 टेबलस्पून पीनट बटर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो क्रंची वाला पीनट बटर है उसी का उपयोग किया है। अब मैं सारे मिश्रण को माइक्रोवेव में हाई टेम्परेचर पर 1 मिनट के लिए रख रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप सारी सामग्री को एक कढ़ाई में ले लें और उसे आप धीमी आंच के ऊपर गैस के ऊपर गर्म कर लीजिए। और जैसे ही सारी सामग्री पिघल जाए उसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आंच को बंद कर दीजिए। मैंने मिश्रण को माइक्रोवेव कर लिया है और मैं बाउल को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें सारी सामग्री को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये रेडी हो चुका है। हमारा चॉकलेट का मिश्रण तैयार हो चुका है। उसे मैं जो सेट किए हुए बिस्किट का चूरा है उसके ऊपर डाल देती हूँ। हमने जो ये चॉकलेट का मिश्रण तैयार किया है वो करीबन 2 टेबलस्पून जितना मैं डाल रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। हमारे सारे मोल्ड तैयार हो चुके हैं। मैंने एक बोल के अंदर क्रीमी पीनट बटर लिया था और उसे मैंने 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव किया था और वो अच्छे से पिघल चुका है। जो क्रीमी पीनट बटर है उसे मैं चॉकलेट के मिश्रण के ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ। हमें चॉकलेट के ऊपर इसे अनइवनली स्प्रेड करना है। अब मैं इसके ऊपर टूथपिक की सहायता से मार्बल इफ़ेक्ट दे देती हूँ। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप नाइफ की सहायता से भी इसे मार्बल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे मोल्ड्स तैयार कर लेती हूँ। मार्बल इफ़ेक्ट देने के बाद मैं मोल्ड को फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ। आधा घंटा हो चुका है और मैंने मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। हमारा डेजर्ट बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से निकल आता है। मैंने डेजर्ट को अनमोल्ड कर लिया है। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पर हम इसे गार्निश करेंगे जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। मैंने एक बॉल शेप का चॉकलेट लिया है, उसे मैं डेजर्ट के बीच में रख देती हूँ। मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था और इसे मैंने कोन में भर लिया है। उससे मैं ये डेजर्ट के ऊपर डिज़ाइन बना लेती हूँ। आपको जैसे भी पसंद है आप उस हिसाब से इसे गार्निश कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं बारीक कटे हुए मूंगफली के टुकड़े डाल रही हूँ। उसके ऊपर मैं डार्क चॉकलेट के फ्लेक्स डाल रही हूँ। हमारा चॉकलेट बिस्किट बाइट्स बन के तैयार है। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर दिखता है। हमने जो ये बार्स तैयार किए हैं ये करीबन 6 से 7 दिन बाहर बहुत ही अच्छे रहते हैं, और अगर आपने इसे फ्रीज में रखा तो ये 15 से 20 दिन बहुत अच्छे रहते हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।